पे पेपर में लिखा होता है। हदीसे पाक है, हुजूर ने फरमाया निकाह इतना आसान बना दो कि जीना करना मुश्किल हो जाए। हुजूर ने फरमाया निकाह को आसान करो, ये नहीं कि बड़े झमेले पालो। इतने पैसे होंगे तो निकाह करेंगे, इतना जहेज आएगा तो निकाह होगा। इन तमाम चीजों से नौजवानों को आज बचने की भी जरूरत है। मैं नौजवानों में चाहता हूं कि ऐसे भी नौजवान गयूर खड़े हों जो ये सारे बुरे रस्म और रिवाज को तोड़कर मेरे मुस्तफा के अखलाक को आम करें। ये हकीकत में एक इनकलाब। कोई नौजवान अगर ये कह दे कि अल्लाह ने मुझे दो हाथ अता किए और मुझे मर्द बनाया, कमाऊंगा अपने हाथ से और अपनी बीवी को खिलाऊंगा, वो तो फकीर और भिखारी है जो ससुर से कार मांगता है, गाड़ी मांगता है, बाइक चाहिए, कार चाहिए। अरे तो ऐसे भिखारी है, फ्रिज भी चाहिए, चूल्हा भी चाहिए, उसे लोटा और पानी का गिलास भी चाहिए, सब चाहिए ससुराल से। हाँ इतना ही नहीं, कपड़े भी चाहिए जिस दिन वो पहनता है, कपड़े भी ससुराल से चाहिए, लंगा आता है। तो सबसे बड़ा भिखारी है जो पूरा ससुराल पे चल रहा है। मर्द को अल्लाह तबारक व ताला ने हाकिम बनाया कि तू अपनी कमाई से औरत को पाल, औरत की कफालत तुम करो, उसमें बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा सवाब है। और निकाह के मुतालिक हुजूर ने फरमाया है कि अगर तुम फकीर भी हो तो अल्लाह तुम्हें गनी बनाएगा। और बुजुर्गों ने फरमाया जिस दिन निकाह होता है ना, उस दिन मर्द यानी दूल्हे के घर पर अल्लाह रिस्क के 10 नए दरवाजे खोलता है। दुल्हन आ रही है तो खाना एक्स्ट्रा बनाने की जरूरत नहीं, वो दुल्हन आते ही तुम्हारे रिस्क के 10 नए दरवाजे खुलते हैं। कुछ लोग कहते हैं मौलाना हमारी शादी होने के बाद तो धंधा ही चौपट हो गया, दुकान बंद हो गई है, वो क्या हो गया हमारे साथ। मैं उनसे कहता हूँ निकाह से पहले नीयत क्या थी वो भी देख लेना। नीयत क्या रखा था? मशीन लाना चाह रहा था घर में कि घर में कपड़े धोएगी, बर्तन मांजेगी, कचरा झाड़ेगी, सर दबाएगी, पैर दबाएगी, तुझे मशीन चाहिए था, मशीन जंग आलूद हो गई, खत्म हो गई। और अगर तू ये चाहता था कि मैं हुजूर के फरमान के मुताबिक उनकी सुन्नत अदा करने के लिए निकाह कर रहा हूं ताकि मेरी औलाद हो, तो रसूल पाक उन औलाद पर कयामत के दिन फख्र करें, फिर इस नीयत का सवाब भी देखिए और असर भी देखेंगे आप। जिसकी जैसी नीयत होती है वैसे उसकी जिंदगी में फल भी मिलता है। इसलिए निकाह से पहले अच्छी नीयतें करो। खाली ये नहीं देखना कि गोरी लड़की चाहिए, हसीन लड़की चाहिए, बस मुझे हूर चाहिए, परी चाहिए, चाहे खुद काला कलोटा क्यों ना हो। ये जो नीयतें हैं ठीक है, खूबसूरत लड़की देखना अच्छी बात है, तुम अपने दिल की तस्कीन के लिए अच्छी खूबसूरत ढूंढो, लेकिन मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उससे पहले ये देखो कि वो कुरान कितना जानती है, उससे पहले ये देखो कि दीन कितना जानती है और इश्क मुस्तफा कितना रखती है। इसलिए कि निकाह के बाद तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा और ऐसी औरत आई जो तुम्हें इश्क मुस्तफा से भर दे और तुम्हारी औलाद को कुरान पढ़ा दे, तो इससे बेहतर दुनिया में औरत क्या हो सकती है। हाँ उसके साथ खूबसूरत भी मिल जाए, माल वाली भी मिल जाए, हसब नसब वाली भी मिल जाए, अच्छी बात है। लेकिन जो लोग ये ढूंढते हैं कि बड़े पैसे वाली घर के तो ऊपर नजर रहनी चाहिए, यहाँ पर माँ बाप भी ये ढूंढते हैं कहाँ से लाएंगे बहू, बड़े घर वालों से ताकि बड़ी जायदाद है। ये तमाम चीजें मादियात को छोड़ो, दीन इस्लाम की तरफ तवज्जो करो। जो लड़के हैं नौजवान हैं इनकी माएं और बहनें लड़की देखने जाएंगी, सबसे पहले पूछती कढ़ाई आती है, सिलाई आती है, एम्ब्रॉयडरी आती है, खाने कितने डिश बना सकती है, मीठा बना सकती है, बिरयानी बना सकती है, यही सब पर तो मीटिंग खत्म हो जाती है। इन औरतों से जरा ये कहो कि जाते साथ सबसे पहले पूछो कि कुरान आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ा है, और अगर वो पढ़ी हुई है तो मैं कहता हूं सारी दुनिया वैसे ही सदके में मिलेगी, सब आ जाएगा फिर उसके बाद उसको। और इसी तरह जो दामाद ढूंढने जा रहे हैं, जमाई ढूंढने जा रहे हैं, जाते साथ ही पहले पूछते हैं प्रॉपर्टी कितनी है, जायदाद कितनी है, काम क्या करता है। ठीक है, अच्छी बात है, काम काज वाले को देते हैं आप अपनी बेटी,
लेकिन मेरे अजीजों एक बात याद रखना, आज जो काम उसके पास, आज जो जायदाद है, हो सकता है वो कल ना रहे, लेकिन अगर उसके साथ अच्छे अखलाक हैं तो आज भी रहेंगे और उसके कब्र तक रहेंगे। दीन अगर उसके साथ है तो कायम रहेगा। पहली चीज ये देखो कि दीन कितना है, अखलाक किरदार में कितना है, फिर उसके बाद जायदाद प्रॉपर्टी की बात। बहरहाल ये निकाह की महफिल है, इसलिए मुझे ये चंद चीजें नसीहत के तौर पर कहना पड़ा। अल्लाह ताला सबको सुन्नत निकाह की तौफीक अता फरमाए और खुराफात और हराम कादियों से मौला महफूज फरमाए।